हेलो दोस्तों, माय नेम इज आशीष राठौर, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जैक्ट सही इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी और कोई अफवाह नहीं मिलेगी आपको यहाँ पे। आज क्योंकि टॉपिक बहुत ही सेंसिटिव है, क्योंकि इंडियन रेलवेज जो अभी थम गया था, पैसेंजर सर्विस बिल्कुल नहीं चल रही थी, अब वो स्टार्ट होने वाली है और पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। 12 मई से ट्रेनें चलाने का फैसला लिया गया है। कैसे, क्या फैसला है, क्या इसकी प्रूफ है, मैं आपको बताता हूँ। कोई अफवाह नहीं है, क्योंकि सेंसिटिव इशू है। सबसे पहले तो मेरा मेन मोटिव ये है, हम लोगों को अननेसेसरी रेलवे स्टेशन पर भीड़ नहीं लगानी है, बिना मतलब के रेलवे स्टेशन नहीं जाना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। और साथ ही जो ट्रेनें चलने वाली हैं उन्हीं रेलवे स्टेशन के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा, उसके अलावा आप कहीं नहीं जाएंगे और कहीं भीड़ नहीं लगाएंगे। और उन रेलवे स्टेशन की जो ट्रेन की जो बुकिंग है वो कब स्टार्ट होगी आईआरसीटीसी पे, वो आपको बता देता हूं मैं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों जो ये न्यूज़ है, इसका जो ट्वीट है ऑफिशियल पीयूष गोयल जी ने कर दिया है, साथ में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने भी ट्वीट कर दिया है, अभी आधे घंटे पहले की ये बात है। और अब और भी ज़्यादा बिल्कुल साफ सुथरी जानकारी आपको चाहिए तो मैं ले चलता हूँ आपको पीआईबी की साइट पर, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो जो कि गवर्नमेंट की साइट है, वहां पर जाके आपको दिखा देता हूं। यहां पर आपको बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने क्या तय किया गया है, और इसमें आपको जो जानकारी दी गई है वो मैं आपको बताता हूं विस्तार से। इसे आप यहां पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसमें लिखा है साफ साफ, इंडियन रेलवे प्लान्स टू ग्रेजुअली स्टार्ट पैसेंजर ट्रेन ऑपरेशन फ्रॉम 12 मई 2020 इनिशियली विद 15 पेयर्स ऑफ ट्रेन, जिसमें 30 रिटर्न जर्नीज होंगी। इसका मतलब कहने का है कि इंडियन रेलवे धीमे धीमे ट्रेन स्टार्ट करने का प्लान कर रहा है, जिसमें उन्होंने 12 मई 2020 से ट्रेनें स्टार्ट करने का फैसला लिया है, जिसमें सबसे पहले इनिशियली स्टार्टिंग में 15 ट्रेनें चलेंगी, 15 का पेयर होगा, मतलब 15 ट्रेनें चलेंगी और 15 ट्रेनें वापस भी आएंगी। तो इसमें तय किया गया है कि ट्रेन फ्रॉम न्यू दिल्ली स्टेशन कनेक्टिंग डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद, जम्मू तवी, इन सभी बड़े रेलवे स्टेशन के नाम पढ़कर मुझे ऐसा लगता है कि हमने चारों दिशाओं को कवर कर लिया है, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट, साउथ। तो दोस्तों इन रेलवे स्टेशन से न्यू दिल्ली के लिए ट्रेनें चलेंगी और न्यू दिल्ली से इन रेलवे स्टेशन के लिए चलेंगी, मतलब रिटर्न जर्नी के लिए भी ट्रेन अवेलेबल होगी और न्यू दिल्ली से तो अवेलेबल होगी ही होगी। आप फिर भी ध्यान से सुन लीजिए इन रेलवे स्टेशन का नाम, डिब्रूगढ़, अगरतला, हावड़ा, पटना, बिलासपुर, रांची, भुवनेश्वर, सिकंदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मडगांव, मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद और जम्मू तवी, ताकि आपको कोई डाउट ना रह जाए। बिल्कुल एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है, इन्हीं रेलवे स्टेशन से ट्रेन चलने वाली है न्यू दिल्ली के लिए और न्यू दिल्ली से इन तक, और किसी रेलवे स्टेशन पर भीड़ मत लगाइएगा। और दोस्तों आगे इंडियन रेलवे ने यह जानकारी दी है कि कुछ ट्रेनें न्यू रूट पर चलाई जाएंगी, लेकिन क्योंकि रेक की अवेलेबिलिटी को देखा जाएगा फिर चलाई जाएंगी, संभावना तो है चलाने के नए रूट पर भी। तो क्योंकि 20,000 कोचेस को कोविड 19 के जो केयर सेंटर है और जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन है उनके लिए रिजर्व रखा गया है, तो उसके बाद जो भी अवेलेबल कोचेस होंगे उनसे जो रेक तैयार हो पाएंगे वो ट्रेनें चलाई जाएंगी। और श्रमिक स्पेशल ट्रेनें जो है वो 300 एवरी डे चलाने की योजना है, उसके तहत जो भी कोचेस अवेलेबल होंगे तभी हमारी नॉर्मल ट्रेनें भी चल पाएंगी। और अब आगे इंपॉर्टेंट बात, बुकिंग ऑफ रिजर्वेशन इन दिस ट्रेन विल स्टार्ट एट 4 PM ऑन 11th of May, क्योंकि कल 11 तारीख है, 11 मई है, और कल शाम को 4 बजे, ध्यान से सुनिए, शाम को 4 बजे 11 मई को रिजर्वेशन चालू हो जाएगा IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पर और उसकी एप्लीकेशंस पर। क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा होगा तो आप पहले से वहाँ पर एप्लीकेशन को चालू करके रखना, अगर आपको बहुत ज़्यादा है इंपॉर्टेंट जाना कहीं पर। सबसे पहली बात कि काउंटर पे टिकट होगा कि नहीं होगा, ये आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा। तो टिकट बुकिंग काउंटर एट द रेलवे स्टेशन शैल रिमेन क्लोज रहेंगे, क्योंकि भीड़ ना लगे रेलवे स्टेशन पर। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात, कोई भी व्यक्ति रेलवे स्टेशन पर टिकट बुक कराने नहीं जाएगा, कोई भी व्यक्ति। तो ये मैंने क्लियर कर दिया है, द ओनली पैसेंजर विद वैलिड कंफर्म्ड टिकट विल बी अलाउड टू एंटर द रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन के अंदर वही व्यक्ति जाएगा जिसके पास कंफर्म्ड टिकट होगा। दोस्तों कोई भी ऐरा गैरा नहीं जा सकता रेलवे स्टेशन पर। इट विल बी मैंडेटरी फॉर द पैसेंजर टू वेयर फेस कवर, आपको फेस मास्क लगाना, फेस को कवर करना किसी भी कपड़े से अनिवार्य होगा। और जब आपकी स्क्रीनिंग होगी एट द डिपार्चर, एंड ओनली असिम्प्टोटिक पैसेंजर विल बी अलाउड टू बोर्ड द ट्रेन।
मतलब कि आपकी ट्रेन को बोर्ड करने से पहले स्क्रीनिंग होगी, आपका टेम्परेचर चेक किया जाएगा, अगर आपके अंदर कोई भी लक्षण दिखता है तो आपको नहीं जाने दिया जाएगा, और आपके अंदर नहीं दिखता है तो आपको जाने दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। कोई भी आपको ऐसा उनको लक्षण दिखता है कि जो कि शायद COVID-19 से मैच खाता हो, तो आपके लिए थोड़े प्रिकॉशन लिए जाएंगे और स्ट्रिक्टली आपको उनके रोल फॉलो करना पड़ेंगे अगर आपको ट्रेन में जाना है। फर्दर डिटेल्स इंक्लूडिंग ट्रेन शेड्यूल विल बी इश्यूड सेपरेटली इन ड्यू कोर्स। तो मतलब आने वाले दिनों में आपको और भी जानकारी मिल जाएगी, और मेरे चैनल पर आपको कोई अफवाह नहीं मिलेगी, बिल्कुल सही जानकारी मिलेगी, तो आप सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों, अभी आपको क्या लगा इस न्यूज़ से, और एक एक चीज़ अगर आपको कन्फर्म हो गई है तभी आप अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करना ये वीडियो, ताकि सही जानकारी पहुँच सके, और अभी कोई भी फेक न्यूज़ बने तो वो खारिज हो सके आपको सही जानकारी अगर होगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल। भारत माता की जय। वंदे मातरम।